हेलो स्टूडेंट पिछली वीडियो में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया था ठीक है ना कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमने दो टाइप से किया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज कैपेसिटर जो है उसका जो मूल वर्क है अगर देखा जाए तो वो है स्टोर्ड चार्ज वो चार्ज को स्टोर करती है क्लियर तो मुझे पढ़नी है मुझे पढ़ना है कि वो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है तो वही बात कि दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इससे कि पहला क्वेश्चन तो है कि वाई कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर क्यों करता है दूसरा है कि वो कैसे स्टोर करता है और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि वो कितनी स्टोर करता है सबसे पहले तो मैं ये जानना भाई जैसे तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि सर एनर्जी कैसे स्टोर हुई क्या हुआ कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई दूसरी कैसे स्टोर हुई और कितनी स्टोर हुई और ये पूछ सकता है कि वो कहाँ स्टोर हुई ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हमें कैपेसिटर में कैप्सटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है इसके बारे में जानना होगा बच्चों ध्यान से देखना जैसे ही यह शब्द आया है एनर्जी तो एनर्जी सीधी सी बात है वर्क डन से आती है अब तक जितना भी आपने पढ़ा है इलेवंथ में पढ़ा है या ट्वेल्थ में मैं एक बार एनर्जी की चर्चा कर चुका हूं पहले भी तो एनर्जी कहां से आती है वर्क डन से एनर्जी हमेशा वर्क डन से आती है तो बच्चों होगा क्या कि सपोज थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि यह हमारा कोई कैप्सिटर है समझिए आप अच्छे से पहले यह हमारा कोई कैपेसिटर है मान लीजिए कि मुझे टेन कुलाम चार्ज से इसको चार्ज करना है अभी ये न्यूट्रल है इसके ऊपर बिल्कुल चार्ज नहीं है सपोज और हमें इसको टेन कुलाम चार्ज कैपेसिटर को देना है बच्चों जैसा कि आपने चैप्टर नंबर वन में पढ़ाया कि चार्ज क्वांटलाइजेशन होता है ऐसा तो नहीं है कि टेन कुलम चार्ज एक साथ पहुंच जाएगा जाएगा तो ये इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही तो जाएगा भाई चार्ज आप ऐसे मान लो कि दस कोलाम में एक एक बहुत सारे पैकेट है ये टेन कोलाम चार्ज कैप्सिटर को देना है वो वन वन कोलाम के पैकेट के फॉर्म में है तो अभी इस पर चार्ज जीरो है फिर आप पहला वन कोलाम का पैकेट लेके गए तो ये वन कोलाम यहां से हट जाएगा और यहां चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों वन वनकुलाम सब कुछ प्लस का है फिर जब आप नेक्स्ट वनकुलाम आवेश लेकर के जाओगे बच्चों ध्यान से देखो तो जो वनकुलाम यहां पहुंच चुका है जो वनकुलाम यहां पहले पहुंच चुका है क्या वो नेक्स्ट जो वनकुलाम आ रहा है उसे रिपल्स करेगा जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जो चार्ज कैपेसिटर पे पर पहुंच चुका होता है चल रहा है प्रोसीजर प्रोसेसिंग चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है तो जो चार्ज कैपेसिटर पर पहुंच चुका है ना वो नेक्स्ट आने वाले चार्ज को रिपल्स करेगा मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए भाई ये तो रिपल्सन कर रहा है लेकिन मुझे तो देना है ना तो मुझे कोई ना कोई वर्क करना होगा हमें कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बच्चों कुछ ना कुछ वर्क करना होगा और यही वर्क डन कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है नहीं आई बात समझ में मैं लिखता हूं आप सुने ध्यान से बात कुछ ऐसी है द अमाउंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्कडन टू चार्ज द अमाउंट ऑफ वर्कडन टू चार्ज कैपेसिटर द अमाउंट ऑफ वर्कडन टू चार्ज कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऐसा कहो द अमाउंट ऑफ डन टू चार्ज कैपेसिटर स्टोर्ड कैपेसिटर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी यह वाली बात समझ में आई कि नहीं आई कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो उस कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना आपने डन किया

सिंपल जवाब दे सकते हो कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक वर्क करना होता है जब भी मुझे कैपेसिटर चार्ज करना है मुझे एक वर्क करना होगा और वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा क्लियर है बच्चों यहां तक ठीक है अब आप ऐसे मान लो कि कैपेसिटर पर कुछ ना कुछ चार्ज है कोई भी चार्ज मान लो स्मॉल क्यू चार्ज कैपेसिटर पर आ चुका है और आप थोड़ा सा चार्ज उसको दे रहे हो डी क्यू स्मॉल चार्ज लेके क्या दोबारा डी क्यू और स्मॉल चार्ज को ले जाने में मुझे स्मॉल वर्क यानी कि डी डब्ल्यू करना पड़ा मैं मान रहा हूं कि लेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉल क्यू एंड पोटेंशियल इज स्मॉल वी आप मान लीजिए कि लेट है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का चार्ज है वो स्मॉल क्यू है एंड पोटेंशियल कितना है स्मॉल वी नाउ टू गिव डी क्यू चार्ज अब आप उसको कितना चार्ज और देना चाह रहे हो क्यू स्मॉल क्यू तो उसके पास में ही है और आप उसको डी क्यू चार्ज देना चाह रहे हो नाउ टू गिव डी क्यू चार्ज वर्क डन वर्क डन इज डी डब्ल्यू सो भाई ये कैपेसिटर है उस पर मान लीजिए स्मॉल क्यों चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल वी है और आपने उसको चार्ज कितना और दिया स्मॉल चार्ज मतलब डी क्यू उसमें वर्क वी स्मॉल है मतलब डी डब्ल्यू है सो so, आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है ना पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है V इज इक्वल टू यहां से स्टार्ट करता हूं V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू स्मॉल चार्ज के लिए अपॉन डी क्यू डाउट है किसी को यहां तक आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना क्या डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू आएगा या हाँ ना सो टोटल वर्क इंट्रीगेशन करूंगा तो यहां डब्ल्यू आ जाएगा और यहां इंट्रीगेशन में वी इंटू डी क्यू वी इंटू डी क्यू यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई ध्यान से देखो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं आराम से हेडिंग समझे इजी है और इसके भैया कई क्वेश्चंस बोर्ड में आने की संभावना रहती है है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो समझ में आ गई होगी आपको कैसी हुई कि द अमाउंट ऑफ वर्कडन टू चार्ज कैपेसिटर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉल क्यू एंड पोटेंशियल इज वी नाउ टू गिव डी क्यू चार्ज वर्क डन डी डब्ल्यू सो ये समझ में आया यहां तक थोड़ा स्पेस कम है मैं उसको ना तो यहां से डी डब्ल्यू कितना आया आपका v इंटू डी क्यू सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंट्रग्रेशन में v इंटू डी क्यू यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में ले जा रहा हूं और आप नीचे ही चलते रहेंगे कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालू यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालू तो V की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी Q अपॉन सी ये आप इसको रिप्लेस कीजिए W इज इक्वल टू इंट्रीगेशन V की जगह Q अपॉन सी साथ में क्या आएगा डी क्यू क्लियर कैपेसिटेंस आप जानते हो कॉन्स्टेंट रहती है चार्ज वार्ज देने से इस पर कोई इफेक्ट आता नहीं है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और हमारा बच गया क्यू डी क्यू रही बात चार्ज की लिमिट की तो स्टार्टिंग में पर चार्ज चार्ज है है और मान लो हमें टोटल कैपिटल देना तो मेंट करें अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू देखो बना पी तो अपना बाहर ही है एक फॉर्मूला होता है ना एक्स की पावर एन का क्लास में बड़ा होगा अपने इंट्रीग्रेशन में एक्स की पावर एन जैसे कोई घात होती है उसका मुझे अगर इंट्रीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जोड़ देते हैं जैसे यहाँ क्यू की पावर वन है तो इसका आएगा बच्चों क्यू की पावर एक में एक जोड़ा दो और दो से इसको डिवाइड कर दो लिमिट जीरो टू क्यू थोड़ा और ढंग से लिखना चाहूंगा उसको तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉइंट सी तो यही है टू को ही बाहर निकाल लो और लिमिट जमाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू जमाऊंगा तो बच्चों क्यू स्क्वायर और जीरो जमाऊंगा तो जीरो मीन्स टोटल जो वर्कडन आया वो आया स्क्वायर अपॉन टू सी समझिए ध्यान से वर्कडन कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और जो वर्कडन है वही एनर्जी है जो वर्कडन है वही एनर्जी है इसका मतलब एनर्जी भी कितनी आई क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी अभी एनर्जी के बच्चों दो फॉर्मुले और आएंगे टोटल तीन फॉर्मुले हैं और थोड़ा स्पेस की कमी है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो इतना आप पहले इसको नोट कर लेकिन चलो जल्दी से इसको नोट करिए डाल दें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है ना और स्क्रीन शॉट ले लें या फिर आप लिख लें स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए क्लियर अरे यहाँ तक समझ में आ गया जब हमने मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप भरे लिखते रहें और तो सुनते भी रहें जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया तो चार्ज करने के लिए आपको एक वर्क करना पड़ा वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है मान लो आपने इसको स्मॉल चार्ज दिया डी क्यू उसमें वर्क स्मॉल डी डब्ल्यू है तो वोल्टेज की डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ यहां तक आपको समझ में आ जाएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मुला यूज करते हुए मैंने इसको वी को रिमूव किया ये समझ में आ गया सी बाहर इंटरग्रेशन किया और आंसर आ गया क्यू स्क्वायर पॉइंट टू सी स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों देखिए तो अभी आपने जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है वर्क निकलते हैं, फिर एक साथ निकाल दूंगा भी। वो आया है बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वर्क का जो फॉर्मूला है वो कितना आया है से इससे हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इससे दो फॉर्मुले और बना सकता हूं मैं उनका क्या तरीका है भाई आपके पास में एक सूत्र है सीज इक्वल टू क्यू अपॉन बी ये तो आप जानते ही हो तो बच्चों एक बार तो इस फॉर्मूले में से क्यू को रिमूव कर दो और एक बार इस फॉर्मूले में से आप सी को रिमूव कर दो तो आपके पास में दो नए फॉर्मूले और आ जाएंगे तो भैया रिमूव कैसे कर सकते हैं तरीका देखते हैं चलो पहले क्यू को रिमूव करता हूं तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी क्यू इज इक्वल टू सी वी इस वैल्यू को पुट करिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे कितना है टू सी सी से सी कैंसिल आउट हो गया और डन कितना आ गया हाफ सी बी स्क्वायर एक डन तो कितना आ चुका था क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और दूसरा डन कितना आ गया बच्चों मेरा हाफ सी बी स्क्वायर कितना आया हाफ सी बी स्क्वायर आगे वही सीज इक्वल टू क्यू अपॉइन बी है अब सी को रिमूव कर दो तो वर्गड़न इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू और सी की जगह बच्चों क्यू अपॉन वी ऊपर घूम जाएगा क्यूं ने क्यू कैंसिल कर दिया तो डन आ गया साहब हाफ क्यू भी कितना आ गया हाफ क्यू भी कोल मिला करके डन के तीन फॉर्मूले आए हमारे पास इक्वल टू फर्स्ट है क्यू स्क्वायर पॉइंट टू सी इसको बच्चों में कब अप्लाई करूंगा जब मुझे जरूरत होगी चार्ज और कैपेसिटेंस की ध्यान रखना फॉर्मूले तीनों ही याद करने हैं पर जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो इंपॉर्टेंट बात यह रहा करेगी कि अब कौन सा सूत्र यूज फॉर्मूला काम में लें रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा अगर क्वेश्चन में लगे कि ऐसी जानकारी क्यू और सी के बारे में है तो क्यू स्क्वायर अपॉइंट टू सी आपको लगे कि सी और बी के बारे में है तो हाफ सी बी स्क्वायर और क्यू और बी के बारे में है तो हाफ क्यू बी ये तीन टोटल वर्कडन के फॉर्मूले हैं और जो वर्कडन है वही एनर्जी है तो एनर्जी के भी तीन फॉर्मूले हो गए इस तरीके से क्यू स्क्वायर अपॉइंट टू सी हाफ सी बी स्क्वायर एंड हाफ क्यू बी कुछ कहानी समझ में आई या नहीं आई बताओ क्लियर है तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसके हमारे पास तीन फॉर्मूले तैयार होते हैं ठीक है ना बच्चों नोट करो चलो चलिए नोट कर लीजिए तीन फॉर्मूले आपको तीनों ही याद रखने हैं क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले पर पूछा जा सकता है ठीक है नोट कर लीजिए चलो तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना नेक्स्ट बात करें बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसको ठीक है तीनों फॉर्मूले याद चाहिए कब कौन सा काम मिलेंगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट पहली एडिंग तो आज की हो गई हमारी एनर्जी इन कैपेसिटर अब आप लिखिए नेक्स्ट एडिंग लिखिए एनर्जी डेंसिटी एनपीपीसी पैल प्लेट कैपेसिटर अब समझे आप ध्यान से एक बार लिख बाद में लेना अच्छे से बोर्ड पर ध्यान रखिए बच्चों आपको एनर्जी डेंसिटी चाहिए एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब पहले एनर्जी की बात करो फिर उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी और किसकी चर्चा हो रही है पीपीसी पीपीसी तो याद होगा इस चैप्टर में पैलल प्लेट कैपेसिटर ध्यान से देखिए बच्चों पीपीसी वी नो दैट पीपीसी के लिए हम जो कैप है दैट कैपटेंस इज जो सी है उसका फॉर्मूला है बच्चों, ए एपसाइल एन नॉट अपॉन्ट अच्छा यहां से स्टार्ट नहीं करते भाई ना 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 हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से हम स्टार्ट करें एनर्जी से कि वी नो दैट एनर्जी इन कैपेसिटर अभी आपने पढ़ाया ना एनर्जी कैपेसिटर कितनी है यू इज इक्वल टू चलो क्यू स्क्वायर अपॉइंट टू सी काम में लेता हूं ध्यान से देखना कि भाई जो कैपेसिटर होता है अभी आपने क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी आती है एनर्जी इन कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, उसका फॉर्मुला है क्यू बहुत, बहुत, बहुत मजा आया और सिग्मा सॉरी और सी को मैं हटा सकता हूं कैसे आप एक फॉर्मुला जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है क्यू अपॉन ए तो जो क्यू निकल के आया वो है सिग्मा इक्वेशन नंबर सेकंड भाई एनर्जी का फॉर्मुला है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ठीक है चार्ज को हटाने के लिए मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की सिग्मा अपॉन ए क्यू सिगमा एंड सी की बात करूं अगर मैं कैपेसिटेंस फॉर पीपीसी नॉर्मल वैक्यूम की बात चल रही है तो ए एपसाइलन नॉट अपॉन डी दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे बाद आप ध्यान से देखिए मैं एनर्जी डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं उसके लिए मैंने चर्चा एनर्जी से आगे बढ़ाई कि भैया कैप्सर में जो एनर्जी है उसका फॉर्मिला है क्यू स्क्टू सी क्यू को हटाने के लिए मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा वैल्यू को हम ले रहा हूं सिग्मा क्यू अपॉन ए तो क्यू निकल के आया सिग्मा ए फिर मैंने कैप्स की बात करी एपाइल अपॉन डी अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से फर्स्ट वैल्यू पुट कीजिए पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आप वन में वैल्यू पुट कीजिए तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर क्योंकि वैल्यू सिग्मा ए स्क्वायर करूंगा तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर और टू सी की जगह ए एपसाइलन नॉट और डी ऊपर घूम जाएगा देखो ए ने ए कैंसिल कर दिया क्या बचा एनर्जी इक्वल टू ध्यान से देखना सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर देखा टू एफ साइलन नॉट और ये बच्चों ए इंटू डी बताओ यहां तक कहानी समझ में आई क्या नहीं आई देखो ढंग से सूत्रों का ही खेल है पूरा फॉर्मूले तो भैया याद होने चाहिए कैसे कैसे किया मैंने एनर्जी कितनी आई क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी फिर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करी क्यू बताइए वहां से क्यू की वैल्यू निकाली पीपीसी की अगर मैं बात करता हूं तो सी का फॉर्मूला है ए एन नॉट अपॉन डी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से मैंने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या निकल के आया इसको चाहो तो आप थोड़ा सा नीचे देख नहीं रहा आपको यहीं पे लिख देता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन तो टू एपलन नॉट ए इन अब भैया आपको क्या चाहिए एनर्जी डेंसिटी ध्यान से देखो क्या ए इंटू डी वॉल्यूम है क्या ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया कह दीजिए और डी क्या है डिस्टेंस और जब एरिया को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों वॉल्यूम बन जाता है एरिया में एरिया क्या है टू लेंथ का मल्टीप्लाई और वॉल्यूम क्या है थ्री लेंथ का मल्टीप्लाई तो अगर एरिया में एक लेंथ से मल्टीप्लाई और कर दूं तो वॉल्यूम बन जाएगा मतलब ये वॉल्यूम एक तरीके से और इस वॉल्यूम को नीचे लेके आ जाऊं स्पेस नहीं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप एनर्जी यू और इसको ए इंटू डी को नीचे लेके आ जाओ कितना बचा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एपाइलन नॉट दिस इज एनर्जी डेंसिटी इसका सिंबल है यू और इसके छोटा सा वी यहां पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एपसाइलन तो जो पीपीसी में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो है बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्साइलन नॉट एक फॉर्मूला और बन सकता है आप इतना ही पढ़ा है तो आप जानते हो पीपीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट याद करो पीपीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट तो मैंने देखा कि ऊपर सिग्मा स्क्वायर है और नीचे खाली एप्सल नॉट है अगर नीचे एप्सल नॉट का स्क्वायर बन जाए तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सल नॉट के स्क्वायर को मैं ई स्क्वायर रख दूंगा इसलिए मैंने इसी में मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे एप्साइलन नॉट से और यह वाली जो टर्म है दिख रही होगी आपको ढंग से इसको ई स्क्वायर पुट कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मला और आ जाएगा हाफ एपसाइलर नॉट दिखी रहा है इसकी जगह ई स्क्वायर जमा दीजिए कुल मिलाकर के एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मुले बनते हैं एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू फर्स्ट सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्साइल नॉट एंड सेकेंड हाफ एपसाइल नॉट ई स्क्वायर बात समझ में आई सबको ठीक है ना तो ये हमारी हो गई साहब आज की हेडिंग आज हमने दो हेडिंग पढ़ी है आराम से अच्छे से स्क्रीन पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो है ना और बच्चों दोनों ही हैडिंग काम की हैं दोनों में फॉर्मूले आपको याद करने हैं भाई बिना फॉर्मूले याद करे काम नहीं चलेगा दोबारा बोल दूं स्टोर्ड एनर्जी कैसे आई थी कि जब आप कैप्चर को चार्ज कर रहे थे तो चार्जिंग में जो वर्कडन था वो था स्टोर्ड एनर्जी टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू से स्टार्ट किया आप आगे संभाल लोगे तीन फॉर्मले आगे तीनों अच्छे से याद होने चाहिए फिर आपने एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि भैया एनर्जी तो कितनी है? क्यू स्क्वायर पॉइंट टू सी सिगमा यूज करते हुए क्यू रिप्लेस किया और पीपीसी में सी होता है ए एपल नॉट अपॉन डी दोनों वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी और एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले आए सिग्मा स्क्वायर पॉइंट टू एप सेलन नॉट एंड सेकेंड इज हाफ एप सेल नॉट ई स्क्वायर क्लियर है पूरा ढंग से नोट कर लीजिए आज की क्लास में यहीं तक है. बाकी देखेंगे अपन अपनी अगली क्लास में थैंक यू बच्चों इसको नोट कर लीजिए